आइए आज आपको अपनी जादू की छड़ी से मिलवाती हूँ। जादू की छड़ी यानी कि छड़ी घुमाई और काम हो गया। धुल जा बर्तन। एलजी के डिश वॉशर का एक साल के इस्तेमाल के बाद रिव्यू और डेमो आइए आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा डिश वॉशर। ये इसके दो शेल्फ्स हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला। ये इसका कटलरी स्टैंड है जिसमें सारी आपके चम्मच फोक वगैरह सब कुछ आ जाता है। इनफैक्ट ये काफी बड़ा है। कॉस्ट मॉडल नंबर ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी और इस्तेमाल कैसे करना ये आपको दिखा देती हूँ। सबसे चैलेंजिंग चाय के कप, वाइट कप जिनके अंदर चाय सूखी पड़ी हुई है। एडजस्टमेंट्स हैं ताकि आप प्लेट्स अकॉर्डिंगली लगा सकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 की ये प्लेट्स हैं, यहाँ पर भी हैं। इनको भी अगर आप उठा दें तो ये बहुत सारी और प्लेट्स हो जाती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे लिए अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ये भी प्लेट्स के हैं नीचे यहाँ पे, तो इनको आप बंद कर दें तो आप यहाँ पे पतीला रख सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे प्लेट्स आ सकती हैं। प्लेट्स मैं अभी बड़ी वाली यहाँ पे लगा रही हूँ। बड़ी और छोटी, छोटी ऊपर आती हैं, बड़ी वाली नीचे आती हैं। टच है, बहुत हल्का सा। बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे जैसे आपकी यूसेज हो वैसे आप यूज़ करिएगा। मैं इसको टर्बो पे चलाती हूँ और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और एक्स्ट्रा ड्राई है। एक्स्ट्रा ड्राई मुझे नहीं चाहिए, यानी कि ज़्यादा ही सूखे हुए मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये जो है 1 घंटा और 7 मिनट, ये आपका मेरे इसका एलजी वाले का मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम नहीं है। और बस इसको स्टार्ट कर देते हैं हल्के से टच से। पॉइंट नंबर 1, एक्सट्रीमली क्लीन एंड हाइजीनिक, बहुत ज़्यादा साफ और स्वच्छ। तो जो भी बर्तन अंदर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी में धुल के बिल्कुल चमकते हुए बाहर निकलते हैं। इनफैक्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये कि जो आपके छन्नियों जैसे होते हैं, जो चाय छन्नी होती है और हैंडल्स जहाँ जुड़ते हैं पतीले को, उस जगह पे जो ग्राइंड, जो गंदगी जमा होती है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सारा सिंगल वॉश में साफ़ हो गया जब मैंने इसमें डाला। तो जो बर्तन निकल के आए वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, बहुत ज़्यादा साफ़ थे। इनफैक्ट कांच के बर्तन जो थे वो तो ऐसा लग रहा था कि टच ना करूं क्योंकि फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे मेरे, इतने साफ़ और क्लीन थे। पॉइंट नंबर 2, कन्वीनियंस। काम वाली के मुकाबले
ये मच मोर रिलायबल है, 24 घंटे आपके पास है, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं, कभी बर्तन ज़्यादा निकल जाते हैं, आपका हमेशा बर्तन धोने का मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, एनीथिंग यू आर प्रिपेयर्ड, आपके पास हमेशा एक मशीन है जिसको आप बस बर्तन डालिए, उसमें ऑन करिए एंड योर वर्क इज डन। पॉइंट नंबर 3, वाटर कंजम्पशन। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो वाटर यूज़ करता है, जितना यूज़ करता है उससे कहीं ज़्यादा हाथ से धोने में लग जाता है पानी। हाथ से जिस तरीके से धोया जाता है, जितना पानी हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू जो ये यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट वो है जो मैंने भी सुना था और जो लोग अभी भी कहते हैं कि हमारी इंडियन कुकिंग के हिसाब से जो कढ़ाई जिसमें फ्राई होता है, तेल ज़्यादा यूज़ होता है और जो चिपचिपाहट चारों तरफ छोड़ देता है तो वो साफ़ होता है या नहीं। तो जो आम कुकिंग है, जितनी आम घरों में होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि आपको जैसे ही वो सब्ज़ी आप उसमें से निकालें, भिंडी की सब्ज़ी हो गई या कोई चीज़ जो आपने डीप फ्राई करी हो, करेले की सब्ज़ी हो गई, तो जब वो कढ़ाई निकालते हैं आप, कढ़ाई में से डोंगे में निकालते हैं, तो कढ़ाई जब खाली हो जाती है तो उसको आप तुरंत सिंक में डालिए और उसमें पानी चला दीजिए। बस इतना करना है आपको, इतना करते ही वो भीग जाएगा और जब भी आप डिश वॉशर में डालने के लिए तैयार होंगे तो वो रेडी होगा, आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको घिसना नहीं है। अगर इससे भी ज़्यादा है कि जैसे मेरे घर में दूध जल जाता है अक्सर, तो उसके लिए तो खैर नहीं, उसमें डालेंगे तो वो पूरी तरीके से घिस के नहीं निकालता है। तो उसका जो मुझे समझ आया वो ये कि महीने में एक बर्तन, और अगर रोज़ भी आपका ऐसा कुछ होता है तो भी एक ही बर्तन हुआ वो, इट्स नॉट 20 बर्तन, 20 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, वो बाकी सारे इसमें धुल जाएंगे, वो एक की वजह से ये बाकी सारों का नुकसान नहीं होना चाहिए। 5th पॉइंट, कॉस्ट। ये हमें 55 की पड़ी थी, 55,000 की, और ये है 14 प्लेस, राइट। इसका तरीका ऐसा होता है कि 14 प्लेट्स का हिसाब जो होगा, 14 के सेट का जो होगा कि 14 प्लेट्स आ जाएं, 14 बड़ी प्लेट्स, 14 छोटी प्लेट्स, 14 कटोरियां, जो वेस्टर्न स्टाइल के हिसाब से, तो इसलिए इन्होंने एडजस्टमेंट दिया है कि सिर्फ प्लेट्स नहीं होती, हमारी कढ़ाइयां पतीले भी होते हैं, तो वो चीज़ों के लिए आपका जो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो जो रैक्स हैं वो लेट जाती हैं, जिसमें फ्लैट हो जाता है और आप उस पर कुछ भी रख सकते हैं, सो वो एडजस्टेबल है। बट ये साइज़ जो था ये सबसे बड़ा था जब हम ले रहे थे, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, 1-2 महीने बर्तन धोने के बाद। 6th पॉइंट, टाइम कंजम्पशन, यानी कि कितना टाइम लगता है। आमतौर पर अगर आपकी कामवाली कर रही है या आप खुद भी धो रहे हैं तो भी आपको आधा घंटा तो लग ही जाएगा, प्लस वो सुखा के नहीं होता है जो आप धो रहे हैं, उसके बाद आपको सूखने का भी वेट करना होता है, अगर आपको रखना है अंदर या आप कपड़ा लेके अगर अलग सा सुखा रहे हैं तो और टाइम लगता है। इसमें जो है मिनिमम टाइम है 1 घंटा 7 मिनट, इससे कम का साइकिल नहीं है। 1 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन हुआ और बर्तन धोने की जिम्मेदारी अपने ऊपर आ पड़ी, तो तब इसके बारे में सोचा और ले लिया, और लेने के बाद जो डिफरेंस नज़र आया बर्तनों में, इट्स अनइमेजिनेबल। जब ड्रॉर खोलती हूँ अपने, स्टील वाला, कांच वाला, ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू किसी स्टोर में खुल रहा है, क्योंकि इतने चमक रहे होते हैं। जो पति से सचमुच करते प्यार, वो डिशवॉशर से कैसे करे इनकार।